Kayu is looking like a अरे वाह, ये वो ट्रेंड के लिए नहीं बोलती है, ये वैसे ही बोलती है। खुद के लिए बोल रही है। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू फ्रॉम मी स्कायू एंड निखिल, एंड हमारे फैमिली से आपके फैमिलीज को वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप कि आपकी दिवाली भी बिल्कुल अमेजिंग सी बनी हो, एंड आई होप कि दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पेशली वेरी वेरी गुड हेल्थ। हम बाहर लोकनवाला से आए, वी जस्ट वेंट टू गेट सम थिंग्स फॉर आर सेल्व्स एंड एवरीथिंग। एंड अभी इस बार मैंने डिसाइड किया हम अच्छी सी रंगोली करेंगे, बिकॉज निखिल मुझे कब से बोला था इस बार रंगोली करेंगे। तो बस मैं थोड़ा सामान लेके आई हूँ। आई एम नॉट गुड एट रंगोली लाइक, तो मेरे आई थिंक वो जो ट्रेसर टाइप चीज़ आती है मैं वो लेके आई हूँ, तो आज मैं वो ही बनाऊँगी। द लास्ट 2-3 days फॉर मी वॉज सुपर हेक्टिक, सुपर बिजी, बट सुपर प्रोडक्टिव एंड अमेजिंग। हमारा 3 दिन प्री दिवाली पॉपअप था फॉर शैंस एंड निखिल, इट जस्ट वेंट अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात ये लगती है जब पीपल हु आर नॉट योर सब्सक्राइबर्स कम एंड शॉप योर प्रोडक्ट्स एंड हैव सच ग्रेट फीडबैक। तो ओवरऑल इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग मंथ फॉर मी, एंड इसलिए दिवाली और आज और भी अच्छी बन रही। तो मैं ये लेके आई हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि ये इसके ऊपर रंग डालना होता है फिर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन आ जाता है। तो मैंने एक्चुअली कभी भी ये चीज़ यूज़ नहीं की है, बट आई एम अज्यूमिंग कि इससे रंगोली बनाना बहुत ईजी होता है ऑफकोर्स। सो आई एम गोना ट्राई मेकिंग द रंगोली यहाँ पे बाहर इस घर पे, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो मैं चेक कर रही थी कि बनेगी कि नहीं, बट इट्स टर्न आउट अमेजिंग गाइस। अभी ये सब साइड करके एक और हम यहाँ पे बनाएंगे, लेट्स सी हाउ इट गो। इस बार जब मैंने ये ट्राई किया तो इट टर्न आउट नाइस। मैंने सोचा कि इसमें एक बड़ा कलरफुल रंगोली बनाती हूँ, तो अच्छा हुआ दीदी ने मुझे एक डिब्बी दी, तो इससे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द कलर्स। 50 रुपये की एक डिब्बी दे रही थी, जब मैंने चलो जाने तो फिर मुझे 50 रुपये 5 डिब्बी थी। क्या है एक्चुअली को 50 रुपये देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वो छोटी बच्ची दे रही थी ना, तो उसकी माँ ने गुजराती में उस बच्ची को पढ़ा, तो इतना महंगा क्यों दे रही है? और शायद गुजराती आती है, हाँ सस्ता क्यों दे रही है? ये अच्छा बना हुआ था, ये भी अच्छा बनेगा। अभी सारे कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं हाउ दिस टर्न्स आउट। आई होप इट टर्न्स आउट ब्यूटीफुल, बट दिस इज नाइस यार, इसके ऊपर डालो रंगोली बन जाती है। मुझे जैसे लोगों जिसको नहीं आता इट्स बेस्ट, नहीं तुझे आता है बट इतना प्रिसाइज बनाना मुश्किल है। मुश्किल है, इसको संभाल के रखना, हर साल यूज करेंगे। दिस इज फन यार निखिल। कितने का ये? 200 का आया बड़ा वाला। नहीं 200 का इज नॉट बैड, बट आई प्रीटी श्योर ये आई डोंट लाइक टू बार्गेन विद द किड। बच्चे के साथ मुझे बार्गेन नहीं करना था, इतनी प्यारी लड़की थी वो। अच्छा ऐसा पहला भी सकते हैं। हाँ तो वैसे तो जाएगा नीचे। अरे कलर्स के साथ मैंने भर दिया है, बट नाउ फिंगर क्रॉस्ड, आई हैव नो आईडिया हाउ दिस विल टर्न आउट। मैं पकड़ लूं? पकड़ लो, मैं हेल्प करूं? हां 3 2 1 पो साइड में लेके आ जा। अरे अच्छा ऐसे गिराते हैं, तो इसमें ऑरेंज यूज़ किया, इसमें सब कलर मिक्स किया, जो बच गया वो सब इसमें डाल रहे हैं। ये भी अच्छा कलर बन गया है ना, अलग ही कलर बन गया, अलग ही बन गया, अच्छा डिज़ाइन बनता है यार इसमें। उठाओ उठाओ उठाओ, अरे वाह तो मेहंदी बन गया, आई लव इट। अभी फाइनल टच जो है वो दिया लगा के होगा। सो बस अच्छा हुआ कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने उस दिन पॉपअप पे बहुत सारे दिया गिफ्ट दिए, हैंड पेंटेड दिया, सो आई एम जस्ट यूजिंग देम। कम्प्लीटेड, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और स्कायू अंदर रो रही है बिकॉज वो बाहर आएगी तो सब तहस नहस कर देगी, तो उसको अंदर रखा है। बट दिस टर्न आउट ब्यूटिफुल, थैंक्स फॉर द आइडिया निखिल। ये एक्चुअली निखिल का आइडिया था कि रंगोली बनाएंगे इस साल। दरवाजा बंद रखा है, भागते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ सो गुड। और तूने भी रंगोली बना ली, निखिल ने भी हेल्प किया गाइस इसमें, सो परफेक्ट। हम कम्प्लीटली रेडी है, आई वोर अ वेरी सिंपल आउटफिट, निखिल ने उसको मैच करने लिए वाइट पहना है, बट सबसे गॉर्जियस आउटफिट आई हैव गॉट फॉर स्कायू दिस टाइम। एक्चुअली आई गॉट इट मेड एंड यू कैन सी हाउ लवली शी लुकिंग, वाओ स्कायू वाओ, वाओ वाला ट्रेंड खत्म हो गया वरना यूज करते हैं। निखिल पे सारे कपड़े लूज हो गए, इतना हैंडसम लग रहा है स्कायू, वाओ स्कायू की आउटफिट एकदम डिजाइनर है आज। हाँ स्कायू, ओ स्कायू वाओ। सो जब भी स्कायू प्यारी दिखती है ना तो आई डू वाओ, तो स्कायू आजकल वही करती है, अपने आप को देख के वाओ, मुझे और निकलो देख के वाओ,
एंड आई डोंट गेट सो मच टाइम बिकॉज यू वर सुपर लेट, तो मैं एकदम जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ एंड वी आर गोइंग. Sky is looking like a अरे वाह, ये वो ट्रेंड के लिए नहीं बोलती है या वैसे ही बोलती है? खुद के लिए बोलती है बिकॉज़ शी अंडरस्टैंड्स दैट शी इज लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस. एंड मैं बस ऐसे ही तुक्का लगा रही थी कि बोलेगी कि नहीं बोलेगी, बट शी एक्चुअली बोल डाला उसने. सो दैट्स वेरी नाइस. इसलिए मैं बोल रही थी वी कैन हैव सच लवली कॉन्वर्सेशंस विद हर. और अभी हम जा रहे हैं निखिल्स मॉम्स हाउस, मम्मी के घर, पूजा के लिए. लक्ष्मी पूजा है और फिर उसके बाद में स्काईयू को थोड़ा हम फुलझड़ी एंड ऑल खिलाएंगे. और बेस्ट पार्ट ये जो जैकेट है ना, ये बटन से लगा हुआ है, बाद में हम इसको निकाल देंगे तो स्काईयू भी फ्री तरीके से होके खेल सकती है. और उसके सारे आउटफिट ना मैं काफ़ी बड़े बनवाती हूँ ताकि बाद में ना इसको ये पहन सकती है 2-3 साल, बिकॉज ये बहुत अच्छी आउटफिट है. सो लिटरली आई वॉज जस्ट लाइक प्रेपिंग हर फॉर एवरीथिंग, बट माई गॉड दिस आउटफिट टर्नड आउट बेटर देन आई इमेजिन. अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही है. अभी दादी गाना गाएगी, तू नाचना. क्या खूब लगती हो, नाच बड़ी सुंदर दिखती हो. जंपिंग आज का यो मॉडल बड़ी जंप कर रही है. उसका पैंट ऊपर खींच दे बेबी, नीचे चला गया है ना, तो ऊपर बैठा रहे बेड पे. बेड पे उठ, जंप जंप, वेरी गुड, संभल के बाबू. चेक करिए क्या क्या फोटो है. दैट्स यू बाबू, दैट्स यू. फेस्टिविटीज का सबसे बेस्ट काम, मम्मी के हाथ के बढ़िया पूरी और खीर मैं खा रही हूँ. निखिल खा रहा है चौली चावल. इसने बोला था कि ये बिल्कुल भी खीर और पूरी नहीं खाएगा, पर ये अभी सब खा रहा है. खीर खाऊंगा, पूरी नहीं, एक पूरी खाने. स्काईयो, स्काईयो, पूरी पूरी. जो है पर डर गई, मैं अभी टेरेस पे गया था, बहुत डर गई गाइस. बस हम लोग पवई से निकले, बोला मैं फ्री हो तो मिलो. इधर आओ. दिवाली के पहले आई एम मेकिंग श्योर, बिकॉज कल भी थोड़ा मीठा हो गया, खीर पूरी खा ली थी, और आज दिवाली फिर से है, तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई गेट माई 5 किलोमीटर वॉक इन बिफोर द डे स्टार्ट. दिस इज अ बुक, यू राइट ऑन द बुक, नॉट ऑन द वॉल. You are doing it, I am not doing it. This is a book, the boot is on the book, not on the floor. Yes, who will clean it? Such a beautiful house. अपना काम कर जाके, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ. This is dangerous.
बुक को छोड़ के अभी ये जमीन दीवार कबर पहले मार्कर दिया हुआ था अच्छा भी क्रेयॉन बेटर है सारी चीजों पे लिखती है ये कुछ छोड़ती नहीं है स्काई व्हाई डिड यू डू इट मामा व्हाई डिड यू डू इट तो टाइम फॉर सम ग्रूमिंग तो हम जा रहे हैं हमारा फेवरेट एनवी सैलून आज आई थिंक कल है ना भाई दूज है पर निखिल सिस्टर्स कमिंग होम टुडे विद द किड्स तो हमने सोचा चलो थोड़ा ग्रूम कर लेते हैं अपने आप को बिकॉज हमने दिवाली के लिए कुछ कराया ही नहीं तो मैं पेडिक्योर करा रही निखिल तो क्या करा रहा है मैं मैनिक्योर पेडिक्योर ही करूंगा ये मैनिक्योर मुझे वही लगा ये मैनिक्योर क्यों करा रहा है बट कोई नहीं कर सकता है सो ये पेडिक्योर और मैं पेडिक्योर कराऊंगी और ये हेड मसाज मेरे पैर एक्चुअली पॉपअप स्टोर में इतने दिन खड़े रहने के बाद बहुत दुख रहे हैं सो आई रियली वांटेड टू गेट अ पेडिक्योर डन सो आई एम गोइंग एंड दिस इज गिफ्टिंग सीजन सो वी गिफ्टिंग ऑल आवर फ्रेंड्स सो वी गिफ्टिंग अ फ्रेंड फ्रॉम एनवी सैलून टू सो लेट्स गो निकुड़ी और स्काईओ भी सो रही है नानी के साथ सो लेट्स रियलाइज हुआ है कि गाड़ी में पंक्चर है किला घुस गया निखिल सोच रहा है क्या करे गाड़ी से जाए या स्कूटर से जाए गाड़ी के साथ पार्किंग नहीं मिलती है वो ही हाँ सी यू डिसाइड फास्ट गाड़ी स्कूटर से जाते हैं मैं हवा भर देता हूँ क्या जुगाड़ है अपने जुगाड़ रखना पड़ता है रखना पड़ता है क्योंकि ये सब कहीं भी मुंबई में ही होता है पंचर बाहर कभी नहीं होता वो है सो जस्ट लाइक हिम I got convinced to do a hair spa too because मेरे hair जो बहुत बुरे गंदे हो गए थे but so hair spa was amazing and also I wanted a hair serum that I could use at night तो the hairstylist suggested me this Kerastase Nutritive Magic Night Serum ये तो trial pack है इसको try करके देखूँगी अगर this works on my hair then I'll get the big one but I hope this works it's for dry hair आई एम बैक होम और बाल मेरे एकदम सॉफ्ट और मस्त लग रहे हैं और मेरे पैर भी एकदम साफ लग रहे हैं दैट्स व्हाई आई लव डूइंग हेयर स्पा बिकॉज मेरे बाल जो है इतने ड्राई है स्पेशली डैमेज भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हेयर कलर बिकॉज आई कलर लाइक एवरी थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स सो हेयर स्पा इज लाइक द थिंग दैट ऑलवेज डज द मैजिक ऑन माई हेयर तो फाइनली आज है भाई दूज एंड फाइनली निखिल सिस्टर्स कमिंग टू मम्मीज हाउस तो फिर कैसा है कि मायरा और नकुल अभी दो दो कजन्स आएंगे ऑफकोर्स ऑफ स्काई तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे तो मैं स्काई के लिए स्पेशली ये ड्रेस ली थी फॉर दिवाली एंड आई वाज लाइक जब भी मायरा आएगी तभी आई विल मेक स्काई वेयर दिस बिकॉज मैंने मायरा के लिए भी सेम टू सेम ड्रेस लाया बिकॉज आई वाज लाइक दे बोथ कैन ट्विन इन दिस एंड इट लुक वेरी स्वीट बचपन में नहीं पता क्यों बट व्हेन लाइक टू सिस्टर्स टू ब्रदर्स और टू सिबलिंग्स वेयर द सेम क्लोथ्स इट लुक सो स्वीट ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स तो आई वाज लाइक कि मायरा और स्काई को आई विल मेक देम वेयर द सेम क्लोथ्स एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज एंड दे लुक सो स्वीट कितनी ब्यूटीफुल मेमरीज बनेगी उनकी फॉर यू नो व्हेन दे ग्रो बट नकुल जो है वो बहुत छोटा आई थिंक ही इज जस्ट बिकम टू मंथ्स ओल्ड तो उसके लिए लाइक कोई भी कपड़े भी अनकंफर्टेबल होते हैं सो आई डिडंट गेट मच फॉर हिम बट आई वाज लाइक कि शैंजेनिक्स के किड कलेक्शन में वी जस्ट लॉन्च्ड बाय द वे फॉर द पॉपअप किड्स कलेक्शन फॉर द फेस्टिव वेयर बहुत सारे लोगों ने लिया सो स्पेशली केप्ट वन आउटफिट फॉर स्काईयू एंड मायरा एट द साइड तो स्काईयू को एक्चुअली वो थोड़ा बड़ा है सो शी विल बी एबल टू वेयर इट नेक्स्ट ईयर बट मायरा को परफेक्टली ऑल द गिफ्ट्स दैट आई कलेक्टेड फॉर मायरा ऑल दिस वाइल बिकॉज इतने टाइम से वो आई नहीं सो आई लाइक जब भी वो आएगी तभी मैं उसको दे दूंगी सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टुडे दैट यू नो स्काईयू विल गेट टू प्ले विद मायरा एंड ऑल्सो सी नकुल फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज लास्ट टाइम जब हम नकुल से हॉस्पिटल में मिलने गए थे सो आई थिंक स्काईयू सो गई थी तो बिल्कुल उठी नहीं उसको समझा ही नहीं क्या हुआ बट टुडे शी विल अंडरस्टैंड कि एक छोटा सा बाबू भी है सो विल बी वी आर ऑल रेडी मैंने फिर से अपने कपड़े रिपीट किए जी हाँ मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज दिस आउटफिट वॉज दी ओनली आउटफिट दैट मैच स्काईज आउटफिट और फिर मैंने निखिल को बोला तू भी तैयार हो जाए इसी बहाने एंड निखिल इज लुकिंग वेरी गुड आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस आर लुकिंग वेरी गुड एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ टू सी मायरा एंड स्काई इन द सेम क्लोथ्स क्या कभी तूने और तेरी बहन ने सेम कपड़े पहने बचपन में पहने रहेंगे पहने रहेंगे ना आते ही दादी के ड्रॉवर से सारा सामान निकालना शुरू कर दिया मेरा ये बोल रही मेरा मेरा अरे मेरा अरे मेरा दे दो दे दो दे दो दे दो बाबू इज स्लीपिंग अच्छे से मायरा और दीदी नीचे गए ये बच्चे से सो रहा है ऐसे बेबीज को देख के मुझे बहुत बेबी फीवर होने लगता है सो देखो एकदम ट्विनिंग स्काई टू क्यूट देखो गाइस एक्सट्रीमली क्यूट द सेम थिंग स्काई एक्स्ट्रा खुश है बिकॉज आज उसको मायरा मिल गई है
दोनों एक्स्ट्रा, दोनों सेम है एक्साइटमेंट के बारे में। अरे यार वेरी गुड। एक थिंग कंफर्म्ड हो गया है, स्कायू को भी कोरियन गाने पसंद है, ब्लैक पिंक और मायरा को भी बीटीएस के गाने पसंद है। कोरिया के फैंस। चलो दोनों गाइस स्माइल नहीं कर रहे ना ही बैठ रहे, ये मैडम ने भी बॉटल डाल दी मुंह के अंदर, दोनों की फोटो नहीं आ रही है। मम्मी ने बोला कि दोनों को मारूंगी बैठने के लिए तो भी नहीं सांस रहे। अरे बाबा रे बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो स्कायू नहीं सुनिए। कल इट वॉज सच एन अमेजिंग डे, मेरा पूरा मन जो है इतना भर गया। इट वॉज सो सैटिस्फाइंग टू सी मायरा एंड स्कायू प्ले एंड एन्जॉय विद ईच अदर सो मच। आई थिंक मैं भी रुकी थी, दीदी भी रुकी थी, निखिल भी रुका था कि कब दोनों बड़े होंगे एंड दे विल प्ले विद ईच अदर, एंड येस्टरडे वॉज द डे, सो इट वॉज जस्ट अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। दिवाली बहुत जल्दी खत्म हो गई तो थोड़ा बुरा लग रहा है, बट नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर क्रिसमस एंड ऑल्सो एक्साइटेड फॉर आर अपकमिंग ट्रिप। एंड अभी मैं पी रही हूँ अपना पालक जूस, विच आई ड्रिंक ट्वाइस अ वीक टू डिटॉक्सिफाई माई बॉडी एंड टू क्लीन इट एंड हील इट फ्रॉम इनसाइड, एंड ऑनेस्टली इट रियली वर्क्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, से बाय बाय स्कायू, बाय बाय। वाओ एवरीवन इज अ वाओ। पहले ये